शिवम शिवम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमट डमट। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्तु भाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको शिवागो.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2020 में 5 जुलाई को पड़ने वाली गुरु पूर्णिमा के दिन मकर राशि को, कुंभ राशि को और मीन राशि के जातकों को अपने गुरु को क्या उपहार देना चाहिए, कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए, अगर किसी को दान देना है तो क्या दान देना चाहिए। यदि आप राशि अनुसार मंत्र पढ़ते हैं, दान देते हैं या गिफ्ट देते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सबसे पहले हम मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के जातकों को अपने गुरु को पीला वस्त्र उपहार में देना चाहिए। यदि हम मंत्र की बात करें तो मकर राशि के लोग इस दिन ओम गुणिने नमः, ओम गुणिने नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और यदि आप दान देना चाहते हैं ब्राह्मणों को या किसी ज़रूरतमंद को तो आप पंचधातु और वस्त्रों का भेंट दे सकते हैं। अब आते हैं कुंभ राशि पे। कुंभ राशि के जातक यदि गिफ्ट देना चाहते हैं अपने गुरु को तो सफ़ेद मोती दें। मंत्र का जाप जो आपको करना है गुरु पूर्णिमा पर वो है ओम धिवराय नमः, ओम धिवराय नमः। और इसके अलावा इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप उन्हीं वस्त्रों का भेंट दें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब हम मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के जातक अपने गुरु को हल्दी के साथ चना गिफ्ट करें। कोई शर्माने की बात नहीं है कि वो हल्दी और चना देख के क्या करेंगे, गुरु को मालूम है कि यदि आप मीन राशि हो तो आपको यही गिफ्ट देना चाहिए। तो हल्दी के साथ चने का उन्हें उपहार दीजिए या फिर आप नीले कपड़े का भेंट कीजिए। मंत्र आपके लिए है गुरु पूर्णिमा के दिन ओम दया साराय नमः, ओम दया साराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। दान आप कपड़ों का कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट दीजिए और हम चाहें कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी मीन राशि, कुंभ राशि और मकर राशि के जातकों तक हमारा वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।